सर, सबसे पहले तो ये बताइए, अली मिंग गंडापुर साहब कहते हैं, मुझसे वादा किया गया कि 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी 18-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। आपके ख्याल में अली मिंग गंडापुर क्या गलत कह रहे हैं? जी, वो गलत ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा तमाम में नहीं, लेकिन उसके बहुत सारे इलाकों में जो नाम हम उनको लाइन लॉसेस का देते हैं, लेकिन वहाँ के जो सार्फीन हैं वो बिजली के बिल देने से इनकार कर रहे हैं, और ये आज का नहीं है, बहुत सालों से। तो लिहाजा जब एक ऐसी जगह जहाँ 80%, 90% के लॉसेस कह लें या चोरी कह लें या सीना जोरी कह लें, जब नहीं होंगे बिजली के बिल, तो मुख्तलिफ इलाकों में उनमें जो बिल देने की शरह है उसके मुताबिक जो है वो बिजली फराहम की जाती है। और बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ बिल्कुल ही लॉसेस 80% या उससे ज्यादा है, वहां पर दिन में 4 घंटे बिजली फराहम की जाती है। अब इस पे जो इशू है वो बहुत संगीन है, इसलिए कि वफाक को तो इन महसूलात की जरूरत है, बिजली के जो सर्कुलर डेट है उसको कम करने के लिए, दूसरे सार्फीन पर ये बोझ ना डालने के लिए। और इसमें एक थोड़ा सा सूबाई लाइन भी है, मुझे एक हसासियत है कि ज्यादातर ये जो इलाके हैं जहाँ से बिल नहीं आते, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, देही सिंध है, तो पंजाब के जो सार्फीन हैं उनको ये बहुत सारे लॉसेस जो हैं फिर तो उनके बिल भरने की सूरत में आते हैं। तो लिहाजा इसमें एक बड़ी फॉर्मूला मौजूद है, और इसमें कोई ये नहीं कि इबहाम है, बड़े क्लियर नंबर्स हैं, हर रोज, हर महीने, हर घंटे जनरेट होते हैं कितनी बत्ती है। तो अगर तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा वाकई चाहते हैं कि वहाँ बिजली की फराहमी ज्यादा हो जाए, तो फिर बजाय ये कि वो बड़के लगाएं या गैर कानूनियत को हवा दें या फाशिस्ट हथकंडे इस्तेमाल करते हुए खुद चले जाएं वहां ग्रिड स्टेशंस पर, उनको वफाक के साथ बैठकर, चाहे अब वो सूबाई महसूलात में से जो बिजली की लॉसेस हैं वो कम करने, लेकिन बहरहाल ये मसला बड़ा संजीदा है, और बेहतर यही होता कि इसको बजाइए कि वो बड़कों के वो आकर वजारते जो बिजली की वजारत है या वजीर आजम के पास आकर अपना कोई फॉर्मूला पेश करते, क्योंकि अगर उनकी वाकई तरजीह ये है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले मेरे जो भाई और बहने हैं, और देखिए ना, बड़ी ये दुख की बात है कि वो सारे लोग ऐसे नहीं है जो बिजली का बिल नहीं देना चाहते, तो उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद है जो बिजली का बिल देना चाहती है, लेकिन वो उन लोगों के रहमो करम पर हैं जो इस किस्म की इस वक्त सीना जोरी कर रहे हैं। तो ये एक पेचीदा मसला, इसमें कोई जोग्राफियाई इशू भी है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का जनूब है और शुमाल जो है वहाँ ये ज्यादा देखने में आया है। अब इसमें जो कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स हैं वो यही हैं कि ये सूबा बहुत अरसा दहशतगर्दी का शिकार रहा है, और वहाँ हाकमियत पाकिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा की वहां भी कमजोरी रही है, हाकमियत जो इट्स सेल्फ गवर्नेंस है, ये सब इसको तो सामने रखकर इसका हल ढूंढना है। लेकिन ये जो हल है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो खुद ग्रिड स्टेशनों में जाके बटन ऑन करेंगे, इससे हल नहीं होगा। नहीं, लेकिन ये खान हल साहब, ऐसे तो में तो फिर ये होना वजारत चाहिए था ना खजाना और कि वजारत बिजली में होगा। अगर ये फॉर्मूला आप कह रहे हैं कि मौजूद है और ये बड़ी तयशुदा बात है, तो फिर उनसे 12 घंटे की लोड शेडिंग तक महदूद करने का वादा ही नहीं होना चाहिए था ना? फिर अग्री क्यों किया गया कि ठीक है, हम आपके सूबे में 12 घंटे से ज्यादा कहीं पर लोड शेडिंग नहीं करेंगे? नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है कि ये वादा एक्चुअली हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये वादा कोई भी जो आजकल बड़े हमारे काबिल और मेहनती वजीर साहब हैं, अवैस लगारी साहब, पहले भी ये जिम्मेदारी निभा चुके हैं, तो अगर तो उन्होंने जिम्मेदारी से ये वादा किया था तो फिर मुझे अब अंदाजा नहीं है कि उन्होंने उस बंद कमरे में क्या कमिटमेंट की थी, क्योंकि ये कमिटमेंट हो नहीं सकती। जो अली मिंग मिनिमम गंडापुर लेवल साहब का है दावा तो यही है कि, और इसकी तर्दीद भी वजीरे नहीं, तो मेरा मेरा जो मेरी ये वजीरे तवक्कु है मोहतरम जी की कि तरफ फिर से इसमें कोई, जो इसकी तर्दीद भी नहीं है ना सर? हाँ, उनकी उनकी तरफ से इसकी एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। जो मिनिमम लेवल है जिसपे अगर, जहां से मैंने कहा 80% से ज्यादा की अगर लॉसेज हैं या बिजली के बिल वसूल नहीं हो रहे,
तो वो चार घंटे से कम नहीं, यानी बिजली तो चार घंटे जरूर पड़ा। खुरम साहब जैसे कि आपने खुद भी इशारा किया, इसमें बड़ा एक संजीदा इशू है कि ये जो हाकमियत की जो कमी है इसकी कीमत जो बिल देने वाले सार्फीन है वो रोजाना अदा कर रहे हैं, तो दोनों तरफ ज्यादती है। बिल्कुल सही, मैं यही अर्ज कर रहा था सर कि जब आप ये कहते हैं कि जिन इलाकों में लाइन लॉसेस या बिजली चोरी या बिल ना अदा करने के वाकयात 70-80% तक हैं, वहां पर बिजली जो है वो नहीं दी जाती 20 घंटे तक भी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जो 30% लोग अपना बिल बाकायदगी से अदा करते हैं उनका क्या कसूर है? या तो फिर सिस्टम ही तब्दील होना चाहिए कि जो बिल अदा नहीं कर रहे सिर्फ उनको ये नुकसान होना कि उनकी बिजली नहीं आ रही, ये जो लोग बिल अदा कर रहे हैं वो 20 घंटे की लोड शेडिंग क्यों भुगत रहे हैं? जी इसलिए कि सिस्टम में इस वक्त तो इस्तेदाद, टेक्निकल इस्तेदाद नहीं है, और इस पे जब 16 महीने की जो 15 जमाती पीडीएम की हुकूमत थी हमने इसका आगाज कर दिया था, जिसे हम कहते हैं एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जी, वो लगाना शुरू कर दिया था, और उस वो अगर ट्रांसफॉर्मर की सतह तक इंशाल्लाह जब पहुंचेगा तो फिर ये मुमकिन हो सकेगा कि इसको इसकी बहुत ही एक हम कह सकते हैं बारीक किस्म की तकसीम की जा सके कि इस इलाके में बिल लोग दे रहे हैं और इसमें नहीं दे रहे, जो नहीं दे रहे उनको बिजली फराहम ना की जाए। और दूसरा उसमें ये भी देखिए हर चीज जो है, बस जैसे एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, हर जो कदम हुकूमत उठाना चाहती है वाकई हुकूमत उसका बिल आखिर जो एंड पॉइंट है वो यही है कि क्या उस इलाके में लोग आपको ये स्टेप करने देने के लिए तैयार। अब जहां हाकमियत कमजोर है तो वहां एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना भी उतना ही मुश्किल है, जो मतलब ज्यादा सेटल्ड इलाके हैं वहां आसान है, वहां लग जाता है फॉरन एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन जो सबसे मुश्किल और प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं वहां इस किस्म के टेक्निकल सॉल्यूशंस करना भी मुश्किल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हुकूमत जो है इसको लापतनाही मुद्दत तक इसको रोक सकती है, बहरहाल बैठ कर इसका कोई हल निकालना है ताकि हम ये बिजली का जो एक बहुत बड़ा बहरान है उसमें कम से कम उसका एक हिस्सा हम हल कर सकते। सही है खुरम साहब, आज शौकत यूसुफ जई साहब को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि स्टाफ की भी मीटर रीडर्स की भी कमी है, वो कह रहे थे कि 10 यूनियन काउंसिल्स के लिए हमारे इलाके में, वो अपने हलके की मिसाल दे रहे थे कि 10 यूनियन काउंसिल के लिए सिर्फ 2 मीटर रीडर हैं, जो कि उनके लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हर मीटर तक वो पहुंचे और उसकी रीडिंग लें। उनका कहना यह है कि जब आप रीडिंग ही नहीं ले पाएंगे, बिल ही नहीं भेजेंगे तो अदा कैसे होगा, तो उन इलाकों को भी लोड शेडिंग में शामिल कर दिया गया है, लाइन लॉसेज वाले इलाकों में शामिल कर दिया गया है, तो ये तो विफाक का या विफाकी इदारों का बेसिकली कंसर्न बनता है कि वो स्टाफ की कमी को पूरा करें और मीटर की कम से कम रीडिंग ली जा रही हो, तो यह शिकवा दुरुस्त मालूम होता है आपको? जी स्टाफ की कमी है लेकिन इतनी गंभीर नहीं है जितनी मोहतरम ने कही है। दूसरा जिसकी तरफ मैंने आपको इशारा किया है, अगर एडवांस मीटर इंफ्रास्ट्रक्चर और जिसका मैंने कहा हमने आगाज कर दिया था मुख्तलिफ जहां जहां भी, इवन पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में भी महदूद तादाद में ये लगे थे।